जलवा तेरा सारा आलम सदका तेरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करें। आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों ने इतनी मोहब्बतें दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने भाइयों का, अपनी बहनों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने इतनी सपोर्ट बनाए रखे हैं और आप मेरी 4 लाख की फैमिली होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 लाख की फैमिली होने वाली है, 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो मैं फिर कहता हूँ हर वीडियो में कहता हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, मेरी फैमिली हो। तो चलिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास या भाई की नोटिफिकेशन अपडेट और भी इस्लामिक बातें अल्हम्दुलिल्लाह आप तक जानकारी अच्छी अच्छी पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों शिहाब भाई। मैंने आपसे बताया था कल के शिहाब भाई ज़िला मुक्सर में सत्यम पैलेस में रुके हुए हैं और मुक्सर सिटी को उन्होंने पार कर दिया है। और मुक्सर सिटी जो पड़ता है वो ज़िला मुक्सर ही है, ठीक है, मुक्तसर है, मुक्सर हमारे समझ में आया था लेकिन है वो मुक्तसर, ठीक है, मुक्तसर है वो। अब वहाँ से वो शिहाब भाई ज़िला मुक्तसर को पार कर चुके हैं और मुक्तसर को पार करने के बाद ना अब ज़िला आया है फरीदकोट। ज़िला फरीदकोट में अभी शिहाब भाई पहुँचे कल रात ही, जैसे कि परसों रात उन्होंने सफ़र अपना शुरू कर दिया था 9 सितंबर की रात को, ऐसे ही 10 सितंबर की रात को उन्होंने सफ़र शुरू कर दिया। कल पूरा दिन सत्यम पैलेस में थे जो कि मुक्तसर सिटी में पड़ता है, लेकिन अब कल रात को ही उन्होंने फिर दोबारा से, यानी कि कल रात को फिर दोबारा उन्होंने रात में ही सफ़र शुरू किया। मेरे भाइयों रात में सफर का जो मतलब है वो इसलिए है कि दिन में वो चल के जाएंगे तो वो रोड जो है सिंगल रोड है, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अब सिंगल रोड पर दिन में भीड़ ज्यादा होगी तो परेशानी पड़ेगी, पुलिस प्रशासन को भी परेशानी पड़ेगी और पब्लिक को भी परेशानी पड़ेगी और शिहाब भाई को तो पड़ेगी परेशानी, इसलिए वो रात में सफर तय कर रहे हैं ताकि शिहाब भाई को परेशानी ना पड़े और किसी को और को भी प्रशासन वगैरह को परेशानी ना पड़े। तो देखिए मैं आपसे बता दूं कि शिहाब भाई इस वक्त जो है अब फरीदकोट पहुंच चुके हैं, यानी कि रात फिर उन्होंने दोबारा से रात में ही सफर शुरू किया और सत्यम पैलेस से निकलने के बाद में जो कि जिला मुक्सर में पड़ता है मुक्तसर में, वहां से निकलने के बाद में वो पहुंच चुके हैं जिला फरीदकोट और फरीदकोट में इस टाइम वो रुके हुए हैं। अब आज की जो अपडेट होगी इंशाल्लाह ताला शाम तक की आपको बता दी जाएगी। बाबा से मैंने बात की, बाबा का फोन लगा, जमाल बाबा जो हम अपडेट दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि मेरी साइकिल में पंचर हो गया था। जी हाँ, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जमाल बाबा हैं, ये हमें अपडेट देते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बोले अभी लेट मेरी उनसे बात हुई थी, बोले मेरे बेटा मेरी साइकिल में पंचर हो गया था, मैं पीछे रह गया, लेकिन फरीदकोट जिले में पहुंच चुके हैं। रात तकरीबन उन्होंने 32 या 33 किलोमीटर का सफर तय किया है रात रात में अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए शिहाब तेरे जज्बे को सलाम, शिहाब तेरे हौसले को सलाम, शिहाब भाई आपको दिल से सलाम और आपको दिल से दुआएं हैं, आपको अल्लाह सलामत रखे, आपकी नेक जायज़ तमन्ना अल्लाह पूरी करे और आप सभी भाइयों की और बहनों की अल्लाह तबारक व तआला नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। कमेंट्स आते हैं हमारे भाइयों की हमारी बहनों की, मैं दुआ करता हूँ जो भी परेशान हाल हैं, जिससे भी जिसकी भी जो परेशानी अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में दूर कर दे मौला। तो चलिए मैं आपको कलाम सुनाता हूँ, कलाम बहुत प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने जो ये कलाम पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही, यूँ तो कलाम सारे ही अच्छे होते हैं लेकिन ये भी बहुत अच्छा कलाम है, आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है, शिहाब भाई की लोकेशन ये है कि शिहाब भाई पंजाब में चल रहे हैं और हाँ ये फोटो देखें आप, इस फोटो में देखें बाघा बॉर्डर, अभी यहाँ से तकरीबन बाघा बॉर्डर तो अमृतसर से थोड़ा सा आ गया है, लेकिन अमृतसर जो है यानी जो पंजाबी में अमृतसर बोलते हैं वहाँ के लोग, तो अमृतसर अभी जो है 149 किलोमीटर वहाँ से है, जैसे कि मैं आप इस फोटो में देख सकते हैं। जी हाँ 149 किलोमीटर अमृतसर अभी बाकी है भाइयों। तो चलिए मेरे अजीजों मैं आपको कलाम सुनाता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। शिहाब भाई की जो लोकेशन है वो जिला फरीदकोट में एंट्री कर चुके हैं और अब जो चलेंगे आगे को इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। चैनल से जुड़े रहे, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और अपने इस भाई को दुआओं में याद रखें। शिहाब भाई के लिए बिलखसूस दुआ करते रहें और हमारे किसी भाई की किसी बहन की फरमाइश हो नात कलाम की, कोई से भी कलाम की तो फरमाइश कर सकते हैं। और माजरत चाहता हूँ जिनकी फरमाइशें पीछे पूरी नहीं कर पाया हूँ उनसे मैं माजरत चाहता हूँ, इंशाल्लाह ढूंढ ढूंढ कर उनको कमेंट को मैंने वो उनके स्क्रीन शॉट ले रखे हैं उनको मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। तो चलिए कलाम शुरू करते हैं। नूरी नूरी जलवा तेरा सारा आलम सदका तेरा, मेरे मौला नूरी नूरी, मेरे आका नूरी नूरी, सल्लल्ला नूरी नूरी, जलवा तेरा सारा आलम सदका तेरा। और नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए, नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं, सीने किए हैं रोशन, सीने किए हैं रोशन, दिल जल
जगमगा दिए हैं लहरा के जुल्फे मुश्की नापे लुटा दिए हैं उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं जिस राग चल दिए हैं जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं नूरे नूरी जलवा तेरा सारा आलम सदका तेरा मेरे मौला नूरी नूरी सल्लल्ला नूरी नूरी जलवा तेरा सारा आलम सदका तेरा आंखें किसी ने मांगी जलवा किसी ने मांगा आंखें किसी ने मांगी जलवा किसी ने मांगा जर्रा किसी ने चाहा जर्रा किसी ने चाहा सहरा किसी ने मांगा बढ़कर ही उससे पाया जितना किसी ने मांगा बढ़कर ही उससे पाया जितना किसी ने मांगा मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं तो दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं नूरी नूरी मेरे आका नूरी नूरी सल्लल्ला नूरी नूरी जलवा तेरा सारा आलम हाँ सदका तेरा मेरे मौला नूरी नूरी जलवा तेरा सारा आलम सदका तेरा कर यूं ही रंग अपना महशर में जर्द होगा दोज़ख के डर से लर्जा हर एक फर्द होगा फिर मेरे मुस्तफा को उम्मत का दर्द होगा फिर मेरे मुस्तफा को उम्मत का दर्द होगा अल्लाह क्या जहन्नम अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा रो रो के मुस्तफा ने रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं नूरी नूरी जलवा तेरा सारा आलम सदका तेरा मेरे मौला नूरी नूरी सल्लल्ला नूरी नूरी मेरे आका नूरी नूरी जलवा तेरा सारा आलम सदका तेरा उनवाने शहीदी है नाते रसूल अकरम तारीफ जितनी कीजिए अहमद रजा की है हम गोहर शेरोपन के वो तो इमाम आजम मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हैं जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं नूरी 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 जलवा तेरा सारा आलम सदका तेरा मेरे मौला नूरी नूरी जलवा तेरा सारा आलम
सदका तेरा मेरे मौला। तो मेरे अजीजों कैसा लगा आपको हमारा ये कलाम? अगर कलाम अच्छा लगा तो यार दुआओं से नवाजें, दिल से यार लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार चैनल पाए हो तो, और इंशाल्लाह ताला सियाब भाई की अपडेट आपको मिलती रहेगी। बाघा बॉर्डर पे जब पहुंचेंगे इंशाल्लाह आपको सियाब भाई की अपडेट मिलेगी, और हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह बिलखुसूस दुआओं में याद रखें, और हर मुसलमान भाई बहन के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।